आज उतरे हैं रेड कारपेट पर। छोटे पर्दे की सारी बहुएं, हर कोई आज नए अवतार में नजर आएगा। साड़ी में दिखने वाली बहुओं पर आज ग्लैमर का रंग चढ़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक कर आपको मिलवाते हैं सारी बहुओं से और रियल लाइफ जोड़ियों से। आज वो खुद ही बताएंगे कि उन्होंने इस खास मौके के लिए क्या पहना है और कैसे तैयारियां की है। ज्यादा हॉट लुक अगर किसी का यहाँ नजर आया तो वो है जमाई राजा की रोशनी, जिनके इस गोल्डन गाउन पे हर किसी की नजर बस अटक कर रह गई। सीरियल में सूट में नजर आने वाली अक्षरा आज यहाँ ब्लैक गाउन में नजर आई है। बैकलेस इस गाउन और जरा हटके हेयर स्टाइल के अलावा कुछ खास भी है अक्षरा के चेहरे पर। अक्षरा की आंखें आज कुछ अलग लग रही हैं। गोल्डन एंड ब्लैक बेस्ट कॉम्बिनेशन। बात करें इशिता की तो उन्होंने इस खास मौके के लिए रेड कलर के इस गाउन को पसंद किया है और इशिता के साथ है उनकी मम्मी भी। मम्मी कहीं जा रही थी, मैंने उनको यहाँ पे बुला लिया है, डाइवर्ट कर लिया है क्योंकि अवार्ड शो हो रहा था। मैंने सोचा उनका थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा एंड अच्छा हो गया। मतलब एक्चुअली इट इज टू हॉट आउट हियर ऑल बिकॉज़ ऑफ मी, यू नो। साड़ी लहंगे को छोड़ संध्या आज परी लुक में नजर आ रही है। इस खूबसूरत फेदर वाली गाउन में संध्या का हेयर स्टाइल भी काफी अलग लग रहा है। अरे हाँ, मेरे बड़े फेदर्स लग गए हैं, मैं कबूतरी बन गई हूँ। अपने ऊपर ही पीजिए। नहीं नहीं नहीं, गलत बात, गलत बात। देखिए देखिए देखिए, मैं बताती हूँ कि मेरे को मलाइका अरोड़ा खान के बाद जो हॉट लगी है वो है हमारी दीपिका सिंह, संध्या राठी। आई थिंक शी इज लुकिंग स्टनिंग एंड थैंक यू। यस, मतलब ऑफ कोर्स आउट ऑफ द बॉक्स आपको कुछ करना हो और पोनी टेल है। मैंने अभी कुछ ही दिन न्यूज़पेपर बॉम्बे टाइम्स में पढ़ा था कि यू नो पोनी टेल क्वाइट इन फैशन, तो मैंने सोचा आपकी कुछ करूंगी तो पोनी टेल जरूर बनाऊंगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं दोनों नागिनों का आउटफिट। मौनी रॉय ने रेड कार्पेट के लिए ब्लैक कलर को चुना तो वहीं शेषा यानी अदा खान रेड गाउन विथ फेदर के साथ नजर आई। आज मैं ही रेड कार्पेट बनकर आई हूँ गोल्डन कार्पेट पर एंड रियली एक्साइटेड फॉर द गोल्ड अवार्ड। जरा हटकर तो सिमर भी लग रही थी, जिनका ये पीच कलर का गाउन काफी डिफरेंट था। वाकई में हमने एक्सपेरिमेंट किया था और आई थिंक काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ। आई थिंक इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, पीच कलर, तो वो बहुत समर वेयर शेड है एंड उसके ऊपर आई थिंक इसका सबसे स्पेशल जो है वो दिस इज द पोर्शन, सो यस आई रियली लाइक इट। रोबोट बहू रजनीकांत यहाँ ग्रीन कलर के वन पीस में नजर आई। इस वन पीस के साथ उनकी डायमंड ज्वेलरी उनको काफी ग्लैमरस लुक दे रही थी। फैशन फॉर मी इज कंफर्ट, यस
But at the same time, it is also very important to look glamorous times like these. So, मैंने glamour को choose किया है आज over everything else. साथिया की मीरा यानी तानिया का princess look सबसे जुदा था. Black gown में मीरा वाकई राजकुमारी की तरह लग रही थी. मेरी ट्रेल देख लीजिए कितनी बड़ी है एंड मुझे लगा कि आज प्रिंसेस लुक करना चाहिए तो ये प्रिंसेस लुक वाला गाउन मैंने पहन लिया है. मीरा के साथ नजर आ रही क्रिस्टल ने समर वेयर को ध्यान में रखकर ये आउटफिट चुना है. सी ग्रीन कलर का ये गाउन गर्मी से राहत देने के लिए चुना है शायद. इस ड्रेस को कहते हैं इट्स लाइक अ फ्रोजन, यू नो वो फ्रोजन कार्टून है, तो इट्स वेरी सिमिलर टू दैट. इट्स अ पापा डोंट रीच आउटफिट बाय वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड शुभिका. ब्यूटीफुल गर्ल विद ब्यूटीफुल क्लोथ्स. दिस इज बाय एटी ज्वेलरी. इवन माय इयररिंग्स आई लव देयर स्टफ. बहुत एजी है, बहुत यंग है. आप अगर इंडियन वेयर में भी चाहते हो तो यू नो यू कैन वेयर समथिंग दैट्स एजी क्योंकि हम यंग है अभी. तो आई लव द स्टफ, आई लव ड्रेसिंग अप गाइस. चलिए अब दिखाते हैं गोपी बहू का अवतार जो ऑफ शोल्डर गोल्डन टॉप और व्हाइट स्कर्ट में नजर आ रही है. वैसे समर वेयर को ध्यान में रखकर स्वाधीनता भी आई है. मिंट कलर के इस आउटफिट को परफेक्ट समर वेयर कहा जा सकता है. बात करें टशनेश की ट्विंकल की, ट्विंकल यानी जस्मीन का ये मेहरून गाउन उन पर काफी जच रहा है. सोनाक्षी यानी एरिका ने भी गर्मी को ध्यान में रखकर ये फूलों वाली गाउन चुनी है शायद. चलिए अब दिखाते हैं देसी बॉयज ने क्या क्या पहना है. पहले देखिए रावण यानी कार्तिक जयराम का सूट बूट वाला अवतार जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहे हैं. चलिए अब आपको दिखाते हैं कौन कौन सी जोड़ियां रेड कारपेट पर साथ नजर आई. न्यूली मैरिड मिस्टर ग्रोवर रेड कारपेट पर आए तो सही लेकिन मिसेस बिपाशा बसु ग्रोवर नदारद थी. शी इज बिजी एट अ शूट राइट नाउ सो शी कुडंट मेक इट. रेड कारपेट पर बड़ा दिलचस्प नजारा था जब करण मेट करण यानी करण सिंह ग्रोवर की मुलाकात हुई करण पटेल से और उनकी पत्नी अंकिता से. पुराने दोस्त जब मिले तो नजारा कुछ ऐसा था. करण पटेल और उनकी पत्नी अंकिता दोनों ने ही रेड कारपेट के लिए ब्लैक कलर को चुना. दोनों पूरे वक्त एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए अच्छे मियां बीवी की तरह. मैं कुछ और पहनने वाली थी बट लास्ट मिनट कुछ हो गया, मैं उसे ट्राई नहीं कर पाई बिकॉज आई वाज शूटिंग फॉर माय शो एवरी डे तो वो फेल हो गया. फिर करण ने कहा आई वांटेड टू वेयर दिस, ही सेंट मी रेफरेंस पिक्चर्स की एग्जैक्टली मुझे यही चाहिए दैट यू वेयर. सो आई हैड वन डे, आई टुक एन ऑफ फ्रॉम वर्क और एक दिन था और यहाँ वहाँ भाग दौड़ के मैंने ढूंढा जो उसको चाहिए था. सो आई एम श्योर ये उसी का आइडिया था कि मुझे ब्लैक पहनाए, खुद भी ब्लैक पहने, तो ये कोई कोऑर्डिनेशन का कोइंसिडेंस नहीं है, ये उसका प्लान था जो मेरे लिए सरप्राइज था. शगुन यानी अनिता हसनंदानी भी अपने पति रोहित के साथ आई. पहली बार शरद के साथ नजर आई पूजा बिष्ट भी. किसी अवार्ड फंक्शन में पहली बार दोनों ने इस तरह शिरकत की है. सास बहु साजिश ने जब इन दोनों को कटघरे में खड़ा किया तो झूठ बोलने का तो कोई चांस ही नहीं था और पहली बार दोनों ने अपने रिश्ते को सबके सामने कबूल भी किया.
बिल्कुल केले की कसम झूठ नहीं बोलूंगा मैं. सो आई जस्ट टोल्ड पूजा एंड आई थिंक शी वाज नाइस एंड काइंड इनफ एंड फ्री राइट नाउ. तो मैंने कहा यार चलो एंड शी वाज लाइक वेरी स्वीट. सी हाँ चलते हैं. एक्चुअली हम कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले एंड वी मेट इन अ पार्टी एंड देन लेटर लाइक ऑब्वियसली हम दोनों की जो थिंकिंग है बहुत मैच करती है. तो वी बिकेम फ्रेंड्स एंड धीरे धीरे फ्रेंड्स करके वी स्टार्टेड लाइकिंग एंड नॉर्मली जैसा होता ही है. जी आई थिंक 6-7 महीने हो गए हैं. आपको पता चला है कि ऑडिशन दिया है? आपको कैसे पता चला? आप पहले ये बताओ आपने मुझे कहाँ देख लिया? फिलहाल तो कसम तेरे प्यार की जो है हमने कसम खाई है हम शो अच्छा करेंगे और जिंदगी में खुश रहेंगे. ऋषि के तनु यहाँ नजर आए अपने रियल लाइफ पति के साथ. ऑफ कोर्स आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट ही वाज रेडी टू कम अलोंग विद मी जस्ट बिकॉज ही वाजंट शूटिंग टुडे सो ही अग्रीड टू कम अलोंग विद मी. जाते जाते आपको दिखाते हैं कुछ और झलकियाँ ग्लैमर से भरपूर इन सितारों की. So actually this attire is from Hemlata Periwal. उनका स्टाइल है ये और डिजाइनर इज मिस सी एच काउशो. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर कि उन्होंने मुझे इतना ब्यूटीफुल सा आउटफिट दिया पहनने के लिए. इयर रिंग्स भी वहीं से हैं. ब्यूटीफुल है देखो. थैंक यू. लवली है. आज बहुत सुंदर लग रही है. आज बहुत सुंदर लग रही है. हरियाली अमावस्या. थैंक्स. और तू काली अमावस्या. हेयर स्टाइल को कहते हैं मुर्गा छाप हेयर स्टाइल. कुकड़ू. मुंबई से आरती गुप्ता पांडे के साथ निशे मिश्रा की रिपोर्ट.